बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के विधायकों के लिए अगले 72 घंटे तक पटना में रहने का फरमान जारी किया है। सीएम नीतीश के फरमान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अगले 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सीएम नीतीश की सक्रियता को देखते हुए सूबे में सियासी उलटफेर की चर्चा भी तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है कि इन सब प्रश्नों का जवाब अगले 72 घंटों में मिल सकता है। सूबे की सियासत किस करवट बैठेगी, ये अगले 72 घंटों में तय हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने एक दिन पहले भी पार्टी कार्यालय पर अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ पूर्व विधायकों से भी मुलाकात की है। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर छापेमारी को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि जिसने रेड किया है वही बता पाएगा। नीतीश के इस बयान को लालू परिवार पर छापेमारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने के रूप में देखा गया। बिहार में पिछले एक महीने के घटनाक्रम को देखें तो तीन ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए। इन मुलाकातों के दौरान दोनों ही नेता एक दूसरे के साथ सहज नजर आए। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कई बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को इफ्तार पार्टी में शामिल होने का न्योता मिलता रहा, लेकिन वो कभी इसमें शामिल नहीं होते थे। इस बार नीतीश कुमार पैदल चलकर अपने घर से राबड़ी देवी के आवास इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। आरजेडी के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी इफ्तार पार्टी दी थी, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया गया था। तेजस्वी यादव भी जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचे और नीतीश कुमार के साथ उनकी दूरियां और कम हुई। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बंद कमरे में बैठक की। बिहार में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था और नीतीश ने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद नीतीश ने तेजस्वी को विश्वास दिलाया कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे और अब 27 मई को जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक होगी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ी 17 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी के राजनीतिक होने को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा चुके थे, लेकिन इसकी जानकारी बीजेपी को लग गई। नीतीश की पार्टी और आरजेडी का गठबंधन रोकने के लिए ऐन मौके पर केंद्र ने लालू परिवार पर सीबीआई की छापेमारी करा दी। लालू परिवार पर सीबीआई ने जब छापेमारी की थी उससे ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन रवाना हुए। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आज या कल वापस लौट सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव के लंदन से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। इंतजार अगले 72 घंटों का, जिसमें जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना से बाहर न जाने का फरमान दिया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।